चूँकि हेमंत जी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है खतियान आधारित स्थान नीति नियोजन नीति को लागू कराने के लिए। कुछ दिनों में ये नीति नियम हमारे बीच लागू हो ताकि हमारे यहाँ की जनता के साथ न्याय हो। सर कल्पना मैम तो ये पिछले 2-3 महीनों में ही इतनी प्रसिद्धि इन्होंने पाई है, ख्याति पाई है, तो हम तो कहेंगे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हम सबों के लिए काफ़ी गौरव वाली बात है। जीएन भारत देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सिल्ली के जो है नवनिर्वाचित विधायक अमित महतो जी है। अमित जी सबसे पहले तो जीत की बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? बिल्कुल ये अमित की जीत नहीं है, ये हमारे समस्त सिल्लीवासी की जीत है और इस जीत में जो सबसे बड़ी भूमिका जिसने निभाई है वो हैं बड़े भाई हेमंत जी हैं और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो, इसलिए लोगों ने मुझे संघर्ष का माध्यम चुना है, उन्होंने मुझे नेतृत्व करने का जो जिम्मा दिया है जिस विश्वास के साथ जिस भरोसे के साथ मैं निश्चित तौर पर उस विश्वास और भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। जिस मुद्दे को लेकर आप जो लगातार बातें कहते आए हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति वो विधानसभा में वो गूंज दिखाई देगी? सर आपको बताएं कि पिछली बार ही हमारे बड़े भाई हेमंत जी ने इसे विधानसभा के सदन स्थल से पारित करवाकर विधेयक के रूप में राजभवन तक पहुंचाने का काम किया है। ये बातें अलग थी कि राजभवन में राज्यपाल के द्वारा रिजेक्ट किया गया, फिर से पुनः उनसे सौंपा गया राज्यपाल जी को। तो हम यही हमारी भी उम्मीद है, इच्छाएँ भी हम रखते हैं कि आने वाले दिनों में चूँकि हेमंत जी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है खतियान आधारित स्थान नीति नियोजन नीति को लागू कराने के लिए, हमारे आस वही हैं भी और रहेंगे भी। तो हम यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये नीति नियम हमारे बीच लागू हो ताकि हमारे यहाँ की जनता के साथ न्याय हो, निश्चित तौर पर ये हमारी ख्वाहिश है। अच्छा, जिस तरह से मैया सम्मान योजना कारगर साबित हुई है सरकार बनाने में, आपके क्या कुछ कहना है कल्पना जी के बारे में क्या कहेंगे? सर कल्पना मैम तो ये जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में ही इतनी प्रसिद्धि इन्होंने पाई है, ख्याति पाई है और एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरी हैं, तो हम तो कहेंगे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हम सबों के लिए काफ़ी गौरव वाली बात है। और ये मैया सम्मान योजना जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की माँ बहनों को अपने पैरों में खड़े होने के लिए एक बेहतर प्रयास किया गया है हेमंत भैया के द्वारा, तो ये सार्थक पहल है और इसकी हम सराहना करते हैं। जयराम महतो को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि एक जयराम महतो ऐसा नाम है कहीं ना कहीं चर्चा में है कि कहीं ना कहीं वो सीएम मटेरियल, खुद को अपने सीएम मटेरियल कहते हैं, क्या आपका कहना है? आप देखिए सर, अपने बोलने वाले लोग अपने आपको बहुत तरह से बोल सकते हैं, इस पर क्या किसी का कहना और क्या कटाक्ष करना। सिल्ली की जनता के लिए क्या कहेंगे लास्ट क्वेश्चन? हम तो यही कहेंगे कि जिस भरोसे के साथ आपने मुझे नियुक्त किया है मैं आपके भरोसे के टूटने नहीं दूंगा और मेरे किसी भी काम से आप शर्मिंदगी महसूस नहीं करिएगा, बल्कि हमारे कार्यों से आप गौरवान्वित महसूस करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। चलिए ये थे अमित महतो जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पर जो है जिन्होंने हर मुद्दे पर बात की है। हालांकि कुछ समय का पल था और कहीं वो जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है हमसे मुलाकात हो गई और मुलाकात के दौरान जो है कुछ कुछ ऐसे मुद्दे पर उन्होंने बात किया है जो मुद्दे जो है कहीं ना कहीं झारखंड की जो परिप्रेक्ष्य में वो मुद्दे उठ सकते हैं। तो रांची से जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।